हरे कृष्णा। तो टॉपिक है हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो ये एक पिक ए कार्ड रीडिंग होने वाली है रीबा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनिशियल्स देखेंगे, राशियाँ भी देखेंगे एंड वी विल हैव दीज थ्री एज द पिक ए कार्ड, ठीक है। हिंदी डेक यूज करने वाले हैं एंड ट्विन फ्लेम डेक, ओके। द फर्स्ट कार्ड इज ऑस्ट्रिच, इनक्रेडिबल इज स्पीडी। सेकेंड जो पिक कार्ड है वो है डक, outgoing, social, feel most at ease when they are in a large group, affectionate, ठीक है। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है लेपर्ड, graceful, adaptive एंड क्विक। तो आप इसमें से किसी भी कार्ड को चुन सकते हैं एंड वी विल कंटिन्यू द रीडिंग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हर एक के लिए कार्ड चुनते हैं, ठीक है, ताकि बाद में हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सटेंड द रीडिंग, ठीक है। पता नहीं ये रीडिंग 30 मिनट की होगी, 40 मिनट की, या एक घंटे की, या फिर सिर्फ 20 मिनट की, आई डोंट नो, ठीक है। तो देखते हैं, पहले कुछ कार्ड निकालते हैं। सो पिकिंग सम कार्ड्स फॉर ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जिन्होंने भी चुना है उनके लिए 5 कार्ड, ठीक है। वॉट इज ही और शी थिंकिंग राइट नाउ, जिन्होंने भी ऑस्ट्रिच चुना है, ठीक है, 3, 4 एंड 5। अब जिन्होंने भी डक चुना है उनके लिए 5 कार्ड। तो एक कार्ड मैंने ऑलरेडी चुन लिया है, बाकी के 4 कार्ड चुनते हैं जिन्होंने भी डक चुन लिया है, ठीक है। 2, 3, अब ये चौथा कार्ड, ठीक है, एंड फिफ्थ कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ कार्ड आ गया है, 5 कार्ड हमने चुन लिए हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द लेपर्ड, जिन्होंने भी लेपर्ड चुना है उनके लिए 5 कार्ड चुनते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड द फिफ्थ वन, ठीक है। तो आ गए 5 कार्ड। तो ऐसे हमारे पास 5, 5 और 5 कुल मिला के 15 कार्ड हो चुके हैं, ठीक है। नाउ वी विल पिक सम कार्ड फ्रॉम दिस ट्विन फ्लेम डेक एंड वी विल लेट्स सी देम, ठीक है। चलो, जिन्होंने भी ऑस्ट्रिच चुना है उनके लिए 5 कार्ड। वाह, 3 कार्ड आ गए पहले ही, ठीक है। सिर्फ 2 कार्ड चाहिए, फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन आ गए, ठीक है। अब जिन्होंने भी डक चुना है उनके लिए 5 कार्ड, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, ओके, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वाओ। एंड जिन्होंने भी लेपर्ड चुना है उनके लिए 5 कार्ड, ठीक है। ये 2 कार्ड आ गए। अब थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, ओके, एंड अब ये फिफ्थ, ओके। तो इस प्रकार से हमने 15 कार्ड और ले लिए हैं, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, हम ये 2 सेपरेट रखते हैं, ठीक है। एंड विल टेक अ लुक एट दिस वन, ओके, जो कि है ऑस्ट्रिच, ओके। मैंने अभी चार्जिंग केबल लगाई है क्योंकि बैटरी बहुत लो है, ठीक है। मेरे पास DSLR भी है एंड पॉइंट एंड शूट भी है, मतलब ब्रिज कैमरा, एंड एक डिजिटल कैमरा भी है, ठीक है, मतलब जो काम चलाओ वो भी यूज़ कर सकते हैं। काम चलाओ में बैटरीज लगती हैं, जो ढूंढनी अभी मुश्किल है, ठीक है। ब्रिज कैमरा की बैटरी डाउन है, लेकिन वो मैं चला सकता हूँ। एंड जो DSLR है उसकी बैटरी फुल चार्ज है, लेकिन उसको मुझे ट्राईपॉड पे सेट करना पड़ता है, और जो उसका ट्राईपॉड है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये तो मेरा मोबाइल का ट्राईपॉड है जो यहाँ तक आ रहा है अभी, ओके, इस लेवल तक। ये मैंने नया परचेज़ किया है, तो देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग, जिन्होंने भी चुना है ऑस्ट्रिच, इनक्रेडिबल स्पीडी, उनके लिए क्या रीडिंग आते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर शी थिंकिंग राइट नाउ, वो अभी इस वक्त, मतलब देयर करंट फीलिंग फॉर यू, ओके, हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू, ओके। तो उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, ओके, करंट बैठने वाली फीलिंग क्या हो सकती है। वाओ, मंथ आ गया है आपको, ठीक है, ओके। ये 3 कार्ड आ गए, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ी आसानी हो, ओके। ये आ गया फोर्थ वन, वाओ, 2 महीने आपके लिए आ गए हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द अदर, ठीक है। अब ऐसे करने से क्या है कि कार्ड्स जो है मिक्स नहीं हो जाएंगे, ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कार्ड्स रख दिए हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन, ओके।
जो कि हैं फर्स्ट। देखो पहले यहाँ पे आके मतलब मार्च में अपना आत्मविश्वास अक्टूबर एंड दोस्त, तो मैं कलेक्टिव रीडिंग करता है स्पीकर कार्ड में भी, ठीक है, नॉट लाइक पिकिंग अप द फर्स्ट देन सेकंड एंड द थर्ड, यू नो विल टेक व्हाटएवर इट ग्रांटेड और रेजोनेंस विद। ओके सो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी इंपॉर्टेंट हैं या महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति हैं उसके लिए ये जो दो महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मार्च या अक्टूबर, ठीक है। अब इस दोनों महीनों में या तो कुछ हुआ है या तो कुछ होने वाला है। अब मार्च ऑलरेडी हो चुका है, अक्टूबर भी एक्चुअली हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दो महीनों में इनके लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनका अभी इनके दिल पर या सिर पर कोई बोझ सवार है, ठीक है। मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते। फॉर एग्जांपल किसने इनका दिल तोड़ दिया हो, ठीक है, या फिर कोई नई शुरुआत की हो। मे बी आप और इनकी मुलाकात मार्च में ही हुई हो, मे बी ही स्टार्टेड डेटिंग अगेन इन द मंथ ऑफ मार्च, या फिर अक्टूबर में कुछ हुआ होगा, ठीक है, ही स्टार्टेड बिल्डिंग समथिंग, ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, या फिर कोई नई शुरुआत जिंदगी की बहुत अहम शुरुआत उसने अक्टूबर में की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो दो मंथ है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस व्यक्ति के लिए। ओके अब ये तो पता नहीं कि आपको इस महीने के बारे में पता है या नहीं। ओके मे बी यू कुड जस्ट रिमेंबर कि हाँ मार्च में ये हो सकता है एंड अक्टूबर में ये हुआ था, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और क्या उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जेन्युइनली पता है तो आप जान सकते हैं, नहीं पता एंड वो अगर आपसे कुछ चीज़ें नहीं बताते, आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं, सो यू वॉन्ट कम टू नो कि इस महीने में एग्जैक्टली क्या हुआ था, ठीक है। तो ये जो दो महीने हैं इनका जो असर है इनके दिल पे वो अभी भी बाकी है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा असर है कि जो वो लेके चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी के प्यार में पड़ते हैं एंड वो एहसास जो होता है, मान लीजिए कि सुबह सुबह आप घर के बाहर निकले, ठीक है, रास्ते पे हैं या फिर जा रहे हैं एंड आपको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी या फिर खूबसूरत लड़का दिखा, ठीक है। अब वो जो फीलिंग है, यू नो मे बी द पर्सन इज इनोसेंट, ठीक है, अब मैं इनोसेंट कह रहा हूँ। अब जो खूबसूरत होते हैं वो लोग भी बहुत चालाक भी होते हैं एंड कुछ लोग अपना मतलब निकालना जानते हैं कि यू नो टॉक अबाउट मी एंड आई विल गेट माई वर्क डन, दैट्स इट। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति खूबसूरत भी है, इनोसेंट भी है, उनकी आंखों से आपको पता चलता है एंड आप बस उनके बारे में सोचते ही रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जस्ट इमेजिन, पूरा दिन जो है वो आपका उसके बारे में ही सोचने में व्यतीत हो जाएगा एंड दैट इज़ समथिंग। तो अगर ये फीलिंग है जो हम कैरी ऑन करते हैं पूरे दिन भर, हालांकि ना तो आपका उनसे कुछ मेल मिलाप हुआ, ना तो आपकी उनसे कुछ बातचीत हुई, ना तो आपने उनसे कुछ कन्फर्मेशन मांगा या फिर कहा कि गिव मी योर नंबर, आई एम गिविंग यू माय नंबर, ठीक है, वेयर डू यू लिव, ओके क्या है आपका नाम, कुछ नहीं, बस वन इंटरेक्शन, आपने बस उनको देखा, मे बी उन्होंने भी आपको देखा होगा एंड बस फॉर सेकेंड आप दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा होगा, दैट मोमेंट लिटरली स्पार्कल अप योर लाइफ, ठीक है। एंड ये जो जिंदगी है, मतलब ये जो पल आपकी जिंदगी में आया, यू जस्ट फील लाइक वाओ आई एम ऑन क्लाउड नंबर 9, ठीक है। तो अगर आप क्लाउड नंबर 9 में है तो किसमें इतनी हिम्मत है कि आपको वहां से धक्के मार के निकाले, नो बडी कुड डू दैट बिकॉज इट इज योर हार्ट फीलिंग, ठीक है, यानी आपके पास है, ये आप दिखा नहीं सकते लेकिन दिखती है ये फीलिंग। जैसे ही कोई आपको पहचानेगा, कोई स्ट्रेंजर भी या फिर जो आपके दोस्त है, वो भी कह सकते हैं कि यार तू क्या प्यार में है क्या, यू नो तेरी आंखें नशीली लग रही है एंड पूरे तेरी मतलब ऑरा इतना खिला हुआ लग रहा है, तो व्हाई इज दैट सो, बिकॉज यू फॉल इन लव विद समबडी एल्स, ठीक है, या फिर इट्स अ काइंड ऑफ फेस ऑफ अट्रैक्शन कि वाह व्हाट इज दैट, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, नेगेटिव बात नहीं है, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ कर्स एंड लाइक लाइवाइज थिंग, ओके आप बस बोल रहे हैं कि खूबसूरती, यू नो एंड वो भी दिल से, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो दो महीने हैं मार्च एंड अक्टूबर, इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा जो वो कैरी ऑन कर रहा है, अब या तो अच्छा हो सकता है या तो बुरा हो सकता है, ठीक है। इंसान की फितरत होती है कि वो किसी के भी बारे में जब सोचता है तो वो सोच को लेके आगे बढ़ता है, ठीक है, एंड ये सोच ही है जो उसको आगे ले जाती है या फिर पीछे ढके लेती है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के बारे में अभी कह रहा है कि अगर कोरोना और दिन चला और अगर ऐसे ही चलता रहा, यू नो फाइनेंशियल लॉसेस हुए, तो भारत एक सदी पीछे चला जा सकता है या तो पूरी दुनिया भी ऐसी हो सकती है। अभी रिसेंटली मुझे अपनी कार की रिपेयरिंग करनी थी, ठीक है, एंड उसका कॉस्ट बहुत आने वाला था, मैंने वांटेड द पार्ट्स जेन्युइनली कि उसकी अभी आरसी बुक रिन्यू करना है, लेकिन मुझे गैराज मैन ने कहा कि सर अभी कोई कंपनियां खुली भी नहीं है, ठीक है, तो जो खुली है वो चढ़े दामों पे चीज़ें बेच रही हैं, तो
आई जस्ट थॉट अबाउट, मेरे पास नैनो भी है, उसका जो कॉस्ट था आई थिंक उससे थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट मुझे देना पड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो हो सकता है, लेकिन अभी आई कम टू नो व्हाई। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है कि यू नो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें वैसी होती है, तो असर कितने देर तक रहता है? यू नो, अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जैसे कि यू नो वृद्धि आ गई, यू नो पैसा जो है वो डॉलर के मुकाबले उछल गया, तो आपको सहूलियत मिलेगी। वही अगर बिछड़ गया तो जो डीजल का रेट है, पेट्रोल का रेट है, वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं जिसने आपके लाइफ में न्यूली एंट्री की है, लाइक यू, तो कह सकते हैं कि वाह मेरी ज़िंदगी तो बन गई। वही अगर उनको महसूस हुआ कि somebody has ditched them on this day or in this month, and वो अभी भी अगर उनके मन में ताज़ा है, दिल में ताज़ा है, तो उस प्यार को लेके बैठ सकते हैं एंड ज़िंदगी में तकलीफ ला सकते हैं। ठीक है, तो समथिंग इज़ हैपनिंग विद देम। देखो यहाँ पे तीन चीज़ें और हैं जो कि है बेपना, आत्मविश्वास और दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ फैक्टर। दोस्त यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी इनका दोस्त है, ओके, इनकी इनके ऊपर कड़ी नज़र है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट निगलेक्ट हिज फ्रेंड, ओके, और फ्रेंडशिप, ओके, और हिज फ्रेंड सर्कल। ठीक है, इनके जो भी फ्रेंड हैं, ये मेल है, फीमेल है, ठीक है, इनके जो भी फ्रेंड हैं, ये उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनसे बात करते हैं, समटाइम्स यू कुड थिंक लाइक दैट कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। यू नो, दोस्ती में कई बार कसम दी जाती है या फिर कुछ ऐसा कहा जाता है, एंड आप जस्ट सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्ती की एक अलग जगह होती है, अलग वजह होती है। आप भले उनका प्यार है, लेकिन यू कैंट इंटरफियर इन देयर लाइफ कि भाई दोस्ती मत करो, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, यू नो, बिकॉज इन्होंने दोस्ती देखी हुई है। ठीक है, इनके अच्छे या बुरे टाइम में इन्होंने उनको हेल्प की होती है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, जो कि आपको समझना है। देखो यहाँ पे दो कार्ड और हैं जो कि हैं बेपना एंड आत्मविश्वास। ठीक है, तो इस व्यक्ति के लिए आत्मविश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो ये जो दो महीने हैं, मार्च एंड अक्टूबर, या तो हो चुके हैं या तो होने वाले हैं। यू नो, जैसे कि कमिंग मार्च में इस व्यक्ति को कुछ बन के दिखाना है, या फिर कमिंग अक्टूबर को इसको कुछ बन के दिखाना है। मे बी द पर्सन इज थिंकिंग के अगले मार्च तक मुझे शादी करनी है, अगले मार्च तक मुझे अपने आप को प्रूव करना है, सैलरी बहुत सारी लानी है, ढेर सारी लानी है, एंड देन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई विल मैरी हर। कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना, तो ऐसी बातें होती हैं। अब यहाँ पे बेपना आ गया है, ये व्यक्ति बेपना प्यार करता है, मोहब्बत करता है। ठीक है, इफ दैट पर्सन इज डूइंग सो, आपको झट से पता लग जाएगा। यू नो, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपको विदाउट, मतलब एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। द पर्सन ऑलवेज वॉन्ट यू विद दैम। ठीक है, जब भी समय मिलेगा आपसे बात करेंगे, यू नो, आपसे मुलाकात करेंगे, एंड लाइक वाइज। तो ये कुछ प्यार का असर इतना गहरा होता है, जैसे कि ये कहते कि नए के नौ दिन, यू नो, जैसे ही शादी हो जाती है तो कपल को देखिए, हस्बैंड वाइफ के इर्द गिर्द ही ऐसे घूमता रहता है, यू नो, और जैसे ही शादी को दो चार साल हो गए तब देखो वो भागता रहता है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। तो ये एक होता है ज़िंदगी में ऐसा तरीका। ठीक है, तो बेपनाह मोहब्बत आपसे करता है, आत्मविश्वास इसको बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसको जो अपना आत्मविश्वास है उसको बढ़ाना है, उसको जागृत करना है, इसके लिए वो कुछ चीज़ें करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कार्ड आ रहे हैं, तो मैं ऐसे रखता हूँ ताकि यहाँ पे वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, पजल्ड, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, लव स्टम्बल्ड अपॉन, लोनलीनेस एंड हार्ट मेल्टेड। तो ये पाँच कार्ड आ गए हैं, ये क्यों आ गए हैं? ठीक है, लोनलीनेस कहीं ना कहीं पे है इस व्यक्ति में। ठीक है, अब राइट नाउ इज़ द टाइम, अगर आप साथ में नहीं है, डेफिनेटली द पर्सन कुड बी फीलिंग लोनली। ओके, ये लोनली फील कर सकता है, एंड मे बी काफ़ी समय से शायद आपकी मुलाकात नहीं हुई है, एंड मे बी यू कम टू नो अबाउट दिस पर्सन। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यू नो, अगर तुम मुझसे बात भी करो तो भी मुझे अच्छा लगता है, ये एक बात हो गई। लेकिन जिसका प्यार हाई लेवल पे होता है वो कहता है मुझे तुमसे मिलना ही है, तुम्हारे बिना मुझे सूना सूना लगता है। तो यहाँ पे आ गया लोनलीनेस। अब यहाँ पे एक और कार्ड आ गया है जो कि है हार्ट मेल्टेड, मतलब आपको देखे बिना ये रह नहीं सकता। ठीक है, आप मतलब इसके दिले जान हो, दिले गुलसार हो, या फिर जैसे आप जो जो चाहे कहो, ठीक है, मृगनयनी जो भी है, कि आप यू आर द जस्ट द बेस्ट, यू नो, एंड यू आर द पोर्ट्रेट पिक्चर फॉर हिम और हर, यू आर द परफेक्ट मॉडल। ठीक है, तो अगर ये आर्किटेक्ट है तो आप परफेक्ट बिल्डिंग हो। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन यू आर द वन फॉर हिम और हर। तो ये जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं, इनको अपना हार्ट मेल्ट हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव स्टम्बल्ड अपॉन, तो ये आपके बारे में सोचते ही रहता है। यू नो,
जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आप कभी भी सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, अभी जो फीलिंग है लव स्टम्बल्ड अपॉन, ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। लव स्टम्बल्ड अपॉन मतलब जैसे कि क्रिकेटर होता है, ठीक है, एंड वो स्टम्प के सामने खड़ा होता है, हमेशा वो स्टम्प को प्रोटेक्ट करता है। वाई? स्टम्प को अगर बॉल लग गया और विकेट गिर गई तो ही विल बी आउट। वैसे ही वो आपके बारे में सोच रहा है, आपसे ध्यान हटा तो सत्यानाश हो गया, क्या करेगा वो, यू नो। सो यू आर द वन फॉर हिम, यू आर लकी चार्म फॉर हिम, ठीक है। तो एक बात है, यहाँ पे दो कार्ड यस और आ रहे हैं, ठीक है, कौन से वो देखते हैं। तो यहाँ पे दो कार्ड और हैं जो कि हैं पजल्ड एंड डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इनका क्या मीनिंग आता है वो थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। ओके, देखो पजल्ड है एंड डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ये दो कार्ड्स है वो थोड़ा कुछ कह रहे हैं, ठीक है। मे बी ये व्यक्ति अभी मतलब हिज करंट फीलिंग इज लाइक दैट कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से समथिंग, लेकिन कैसे कहे, यू नो पजल्ड है, मतलब आपसे कुछ कहना चाह रहा है कि लेट्स डू एंगेजमेंट लेकिन नॉट मैरिज, लेट्स बी इन रिलेशनशिप लेकिन नॉट कमिटमेंट। तो अगर ऐसा आ रहा है तो क्या कहें क्या आपसे, ठीक है। तो यू कैड बीइंग पजल्ड कि एग्जैक्टली क्या है। एंड कई बार चीज़ें ऐसे भी होती है कि हमें हर व्यक्ति में वो चीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग कह सकते हैं कि लुक एट अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय, ठीक है, द कपल लुक्ड अलाइक, मतलब एक दूसरे के लिए बना है, सेम हाइट, ठीक है, दोनों ही फिल्म स्टार हैं, ओके, शी इज़ मिस वर्ल्ड है, ठीक है, एंड ये बिग बी का बेटा वगैरह। सो किसी को ऐसा लग सकता है, लेकिन दे विल नॉट गेट एवरीथिंग व्हाट दे वांट, ओके, मे बी शी लैक्स समथिंग, लाइक शी मे नॉट बी अ काइंड ऑफ कॉमन टिपिकल गर्ल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई कह सकता है कि आई वांट यू टू बी स्लिम ट्रिम, ठीक है, लेकिन कोई स्लिम ट्रिम बनता है तो उसके माल न्यूट्रिशन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो होता है। कोई कहता है कि आई वांट टू बी ब्यूटीफुल, लिपस्टिक यूज़ करो एंड आईलाइनर यूज़ करो, मेकअप यूज़ करो, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप कौन सा लिपस्टिक लगा रहे हैं एंड क्या उसका आपके चेहरे पे कोई असर हो रहा है, एंड समटाइम्स इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर बॉडी। या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन देखने में या फिर बात करने में बहुत ही मतलब हलकट है या फिर बहुत ही बकवास है, तो आप क्या करोगे, सो ऐसा नहीं कि आपको हर कोई चीज़ मिल रही है, तो मे बी ये आपसे कुछ शायद कहना चाह रहा है लेकिन कैसे कहे, ओके, या फिर आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू मे लाइक समवन, या फिर आप अगर मैट्रिमोनी में हो तो आपको लग सकता है कि वाओ ये व्यक्ति में सभी मुझे मिल रहा है, लेकिन लुक एट द एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन है 10 लाख, आपकी है 8 लाख, तो थोड़े से 2 लाख कम है, या फिर समथिंग लाइक दैट। तो आपको लग सकता है कि वॉट टू डू, आपको लग सकता है कि वो व्यक्ति वर्किंग वुमन होनी चाहिए, मे बी शी सेड कि आई डोंट वांट टू वर्क, तो व्हाट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, वी जस्ट फील लाइक वी आर इन पजल। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, तो ये कार्ड किस लिए आ रहा है, देखो डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि ये व्यक्ति डिमांड कर रहा है कि व्हाट व्हाई वेयर व्हेन, मतलब सभी डब्ल्यू से शुरू होने वाले क्वेश्चन, क्यू। अब देखो क्यों यहाँ पे भी आ सकता है कि ये व्यक्ति डेफिनेशन मांग रहा है, जैसे कि प्यार की डेफिनेशन क्या है, ओके। अब देखो दो व्यक्तियों के लिए प्यार की डेफिनेशन अलग अलग भी हो सकती है, ओके, ऐसे नहीं कि इसके लिए ये है उसके लिए वो है, सो समथिंग कुड बी लाइक दैट। एंड आजकल तो आपको पता है लड़कियाँ भी धीट हो गई है, आई थिंक दो कुछ सालों पहले आई जस्ट कम टू नो अबाउट एन इंसिडेंट, ठीक है, एक लड़का था, आई थिंक साउथ इंडिया में गया था कहीं पे, एंड ही वॉज इन आई टी एंड ही कम टू अ शॉक वेन ही कम टू नो कि एक लड़की ने उसे प्रपोज किया जस्ट फॉर लिव इन रिलेशनशिप, एंड ही वॉज अफ्रेड, एंड उसने कहा कि आजकल तो सब लोग करते हैं, एंड देन ही डिडंट रिप्लाई एंड शी वेंट अवे, सो जस्ट इमेजिन। तो अगर ऐसा है तो उसके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप, जस्ट लिव टुगेदर, वॉट एल्स, एंड किसी के हिसाब से नो आई वॉन्ट ट्रू लव, आई वॉन्ट मैरिज, तो दोनों का यहाँ पे क्रॉस भी हो सकता है। तो मे बी दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं, ओके, या फिर कुछ लोग ऐसे ख्वाब देख सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी को लग सकता है कि मेरी रिलेशनशिप कब होगी, कब मैं प्यार में पड़ूंगा, या फिर कब वो मुझे प्रपोज करेगी, व्हेन विल आई हैव माय फर्स्ट किस ऑफ लाइफ,
ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, लेकिन यहाँ पे आता है डेफिनेशन भी है एंड एक्सप्लेनेशन भी है कि अगर मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो क्यों करना चाहता हूँ, और अगर नहीं करना चाहता तो क्यों नहीं करना चाहता। एवरी पर्सन इज पजल्ड। फॉर एग्जाम्पल, शायद कोई है जिसने इसे ऑफर दी है कि लेट्स स्टार्ट लिविंग, तो ये पजल में है करूँ या ना करूँ, और इसके जवाब में है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ओके। एंड इसके जवाब में है लोनलीनेस, ये बहुत अकेला है, ओके okay? अकेला है तो इसे कोई पसंद आ गया, पसंद आने के बाद हार्ट मेल्ट हो गया, नाउ ये व्यक्ति पजल्ड है जो भी उसे ऑफर मिले करूँ या ना करूँ, एंड वो डिमांड कर रहा है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो सकती हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द राशि एस्ट्रो साइन, ठीक है, देखते हैं एस्ट्रो साइन कौन कौन से आते हैं, ओके okay? एक दो तीन और चार पाँच, चलो पाँच कार्ड आ गए, जो कि हैं कर्क, वृश्चिक, मिथुन, तुला एंड धनु। धनु काफ़ी बार आ चुकी है, ठीक है। राशि इनिशियल देखते हैं यहाँ पे क्या आ गए हैं, ठीक है। पांच कार्ड आ गए उछल के, ओके, ये आ गया जीरो, ये आ गया ए, ये आ गया क्यू, ये आ गया यू एंड ये आ गया ओ, ठीक है। तो ये हुआ अबाउट द फर्स्ट, ओके, देयर करंट फीलिंग्स। काफ़ी समय दिया मैंने इस पहले रीडिंग को, ठीक है, अब पता नहीं सेकेंड रीडिंग को मैं कितना समय दे पाऊँगा। ऑस्ट्रिच को रखता हूँ साइड में, ठीक है। एंड नाउ ओके, यहाँ पे क्यू हिलता है एक कैमरा, ठीक है, डक, जिन्होंने अभी डक चुना है, ठीक है, देखते हैं उनके लिए क्या आता है। ताकत, ओके, जुलाई, यहाँ पे भी एक मंथ आ गया है, ठीक है। हसीना, वाओ, ये तो मेरा फेवरेट वर्ड है, हसीना, ठीक है। एंड टकराव, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मंथ विच इज माता पिता, यस दैट्स इट, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप ये सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ वर्ड्स, उससे भी आप समझ सकते हैं कि रीडिंग कैसे होने वाली है, ठीक है। कई बार मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप खुद ही समझदार है, समझ सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी कार्ड कुछ ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे बारी बारी से देखेंगे कि रीडिंग एग्जैक्टली क्या आती है, ओके। तो देखते हैं, देखो पहला कार्ड है ताकत, जुलाई, हसीना, टकराव एंड माता पिता, ओके। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है जुलाई, तो जुलाई के बारे में हमें सोचना है, तो जुलाई या तो हो चुका है या तो आने वाला है, ओके। तो देखो जुलाई में शायद कुछ हुआ होगा, या तो इस जुलाई या तो उसके भी पहले जुलाई या फिर उसके उसके पहले जुलाई, ठीक है। समथिंग रिलेटेड विद जुलाई या फिर द नंबर सेवन, ठीक है। अब देखो ये क्यों होता है, कई बार ऐसा होता है कि यू नो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे लाइफ में हो जाती है, ओके okay? मतलब हम नहीं सोचते कि ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन हो जाता है, ओके, समथिंग लाइक दैट एंड इट हैपन्स। जैसे कि मेरे बारे में हुआ, ओके, एंड बातें बताऊंगा कभी, ठीक है। सो इन जुलाई समथिंग हैपन विद दिस पर्सन, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। अब देखो जुलाई में शायद कुछ चीज़ें हो गई हैं या फिर होने वाली हैं या फिर हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो भी ये चीज़ें हैं उसके बारे में व्यक्ति सोच रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि वॉट इट कुड बी, ओके। देखो यहाँ पर आ गया है हसीना एंड यहाँ पर आ गई है ताकत, ठीक है। हसीना एंड ताकत दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देखो ये व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है ये उसको जाननी है, ओके, एंड ये व्यक्ति जानना चाह रहा है लेकिन जान चुका नहीं है, दोनों में फ़र्क है। जैसे कि जाना है अभी तक गया नहीं है लेकिन जाना चाहता है, यू नो, दो चीज़ों में फ़र्क है। ये जो व्यक्ति है उसको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता कि एग्जैक्टली वॉट इज़ माई स्ट्रेंथ, मतलब कौन सी चीज़ है जो इसके लाइफ में स्ट्रेंथ बन के आती है, यू नो। जैसे किसी के लिए प्यार एक स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है, या फिर समय का पालन करना, अनुशासन करना, ये उसकी स्ट्रेंथ है। सही बोलना या फिर सही डिसीजन लेना, ये किसी के लिए स्ट्रेंथ हो सकती है, या फिर सच्चाई एंड ऑनेस्टी आर हिज वर्चूज, ठीक है। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति की भी कोई ताकत हो सकती है कि दिस इज़ समथिंग, लेकिन कुछ लोग गलती कर देते हैं, यू नो, कुछ लोगों को लगता है कि अगर तू मेरे ज़िंदगी में है तो मेरे ज़िंदगी में स्ट्रेंथ है, यू नो। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया था एंड आज भी दे रहा हूँ। आई वॉज इन अ बस एंड वहाँ पर एक लड़का था, मे बी ही वॉज वर्किंग इन ए मॉल, ठीक है, एंड उसे एक कॉल आ गया और बहुत ही लो साउंड कर रहा था, ओके, कि तू तो छोड़ के चली गई,
फिर वो बता रहा था कि वो क्या करने वाला था, वो लोन लेने का सोच रहा था एंड समथिंग अबाउट दैट। फिर उस लड़की ने कुछ कहा एंड जैसे ही उसने कहा कि तो वो बोला कि देख तू बोल रही है अभी तुझे करना पड़ेगा सच में है, तो उसने कहा हाँ कि ठीक है। फिर तो उसका आवाज़ इतना खुल गया, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा एंड ज़ोर ज़ोर से लोगों को बोलने लगा अरे ये वो वगैरह करने लगा, बाहर के जो भी लोग थे उनसे भी बात करने लगा। तो यू नो ऑल ऑफ अ सडन उसके लाइफ में चेंजेस आ गए क्योंकि उसने उसको कमिटमेंट दे दी थी यू नो। तो उसको लगता है कि ये जो हसीना है ये उसकी ताकत है, ठीक है। ऐसे ही इस व्यक्ति को लग सकता है कि जो व्यक्ति इसको जुलाई में मिली या फिर अभी जो व्यक्ति इसके लाइफ में है, आप हो सकते हैं कोई और, ठीक है, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ताकत है। मे बी यू आर द पर्सन हु इज स्ट्रेंथ फॉर हिम और हर, ठीक है। ये होता है जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोई हमारा मेंटर है, ठीक है, एंड मेंटर से हमें ताकत मिलती है, यू नो लाइकवाइज। तो यू आर द वन हु इज द पर्सन हु मेक्स हिम लाइवली, ठीक है। आप इसको जिंदा बनाते हो, आप उसके लाइफ में जान फूंकते हो, आप ही उसे खुशनुमा रखते हो, ठीक है। एंड ये सही बात है, ये हुई इसकी फीलिंग, ठीक है, ये उसको क्या लगता है। लेकिन यहाँ पे आ गया है टकराव एंड माता पिता, ठीक है, ये क्यों आ गया है। अब देखो टकराव इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो हमारे जो माता पिता होते हैं उनकी जो फीलिंग होती है, भावनाएं होती है, वो भी अलग होती है। अब देखो मान लीजिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कभी रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के किसी और स्कूल कॉलेज में नहीं गए, ठीक है। हाँ आप किसी किसी के माता पिता हो सकते हैं कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, इंजीनियर है तो भी वो मराठी मीडियम या फिर हिंदी वगैरह जो भी है तमिल तेलुगु उसमें से ही सीखे होंगे। लेकिन जो डॉक्टर है उनकी तो पढ़ाई इंग्लिश में हुई होगी एंड येस ऑफकोर्स फॉर इंजीनियर येस ऑफकोर्स दे हैड इंग्लिश, ओके नॉट एन इश्यू। लेकिन जस्ट इमेजिन कि कोई अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, यू नो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तो डेफिनेटली दे वुड लाइक देयर चाइल्ड टू गो टू अ हाई लेवल स्कूल लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल हम जिसे कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है एंड हर कोई ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसे स्कूल में डाला या फिर जैसे पंचगनी फेमस है हॉस्टल के लिए वहाँ पर आपको एडमिशन दे दिया किसी भी कारण से, महीने की साल की 1-1 लाख रुपये फीस भर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अनुशासन मिले, आपका फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है, आपके लिए सब किया एंड नाउ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि बहू कैसे आ जाए, यू नो मे बी दे वांट अ वेरी ट्रेडिशनल वन, ठीक है, कि बहुत ही ट्रेडिशनल लड़की होगी, ठीक है, एंड वो कैसी दिखती होगी, यू नो हर रोज़ मंत्र जाप करने वाली, भगवान का पूजा पाठ करने वाली, मे बी टेम्पल जाने वाली, ऐसे शायद वो सोच रही हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यू लाइक समवन हु वेयर शॉर्ट्स, ठीक है, जिसको टैटू है उसके यू नो हाथ पे एंड बॉडी पे कहीं कहीं पे जो सिर्फ आपको पता है, यू नो जस्ट इमेजिन, एंड शी डज क्रेजी थिंग्स विथ यू, ओके मे बी योर पेरेंट्स डोंट नो अबाउट दैट एंड नाउ यू वांट टू नो दैट योर पेरेंट टू लेट देम नो कि यू आर इन लव विथ समवन। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आता है टकराव, ठीक है। अब देखो माता पिता यहाँ पे गलत नहीं है, ये उनके जगह पे सही है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं प्यार में पड़ते, लेकिन कोई जो प्यार होता है ना वो सिर्फ दिखावा होता है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि यू नो मुझे किसी से प्यार हो गया, और ये आप कैसे कह सकते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि यू नो मुझे वो अच्छी लगी लड़की, लड़की में क्या अच्छा लगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़की में या लड़का में क्या अच्छा दिखा। अब अगर कोई ये देखता है कि उसके वर्चूज कि वो पूजा पाठ करती है या फिर हेल्प करती है एक दूसरे को, ठीक है, इसके अलावा उल्टा अगर कोई कहने लगा शी लुक्स हॉट, यू नो ऑसम, लुक एट द कर्व्स एंड लाइकवाइज, या फिर उस लड़के को देखो उसकी डोले शोले कैसे है, उसके बाल देखो, तो ये अट्रैक्शन हुआ, ये प्यार नहीं हुआ। सिर्फ किसी को देख के अगर आप जज कर रहे हो कि वाह व्हाट इज़ दैट व्हाट इज़ दिस, तो इसका मतलब आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको बस उनको पाना है। और एक बार ये एहसास मिल गया कि पा लिया तो क्या होगा, यू नो कुछ लोग एक्चुअली में प्लेबॉय होते हैं, दे जस्ट अपीयर कि येस आई एम इन लव विथ यू, जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है उस व्यक्ति को छोड़ के चले जाते हैं भवरे के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो माता पिता हैं वो आपके लिए सटीक चुनाव करना चाहते हैं, एक ऐसी व्यक्ति जो आपके लिए सही हो। हालांकि ज़िंदगी आपको जीनी है, ज़िंदगी आपको बितानी है, लेकिन मान लीजिए कल अगर जाके आपका फैसला गलत साबित हो गया तो आप क्या करोगे, यू नो समबडी टोल्ड मी साउथ में किसी ने शादी की थी, लव मैरिज की थी, एंड अल्टीमेटली अचानक से उसके हस्बैंड को ब्रेन हैमरेज हो गया, वो चला गया।
उसकी लड़की की या लड़के की जो हालत थी वो भी अच्छी नहीं थी। अब इस व्यक्ति को, फीमेल पर्सन को, जॉब करना पड़ रहा है, डबल जॉब करना पड़ रहा है, सैलरी बहुत सारी जमा करना पड़ रहा है एंड हॉस्पिटल में देना पड़ रहा है, वो अकेले सब कर रही है। लुक एट दैट कि एक व्यक्ति को कितना मिला है। ये क्यों हुआ है? बिकॉज हिज हर जो पेरेंट्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शी नीड अ लव मैरिज। यहाँ पे माता पिता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन समवेयर जब माता पिता आपके लिए किसी को चुनते हैं तो दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग द बेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई कह रहा है कि आई विल मैरी योर डॉटर, आई विल मैरी योर सन इफ़ यू आर गिविंग मी दिस इन डावरी, तो ये गलत बात है। ठीक है, डावरी देना गलत बात है या फिर किसी की मनमानी सुनना, ये भी गलत बात है, लेकिन सही चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही चुनाव नहीं कर रहे हैं तो बाद में डिफ़िकल्टी आपको ही फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे टकराव आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, टकराव ही आप देखो, कई बार आप ये गलती कर देते हैं कि ताकत, ये आपकी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है माता पिता, इनको निकालो। ठीक है, हसीना तो वापस से आ सकती है। मान लो आज एक है रूठ गई, आपने कहा गेट आउट, कल दूसरी आ गई, परसों तीसरी आ गई, आते चले गए, वैसे ही आपकी लाइफ में हसीन व्यक्ति आ सकते हैं। मतलब टॉकिंग अबाउट बॉयज, ठीक है, कोई आपको अच्छा लगा लेकिन यू नो ही इज़ नॉट द गुड फॉर यू, तो आपने कहा गेट आउट। ठीक है, फिर दूसरा तीसरा, मतलब जो भी हैं आपके लाइफ में ऐसे मोमेंट आ सकते हैं कि यू कुड बी फीलिंग लाइक आई एम गेटिंग प्रपोजल्स। जैसे कि आप अगर मैट्रिमोनी साइट पे हैं तो वहाँ पे आपके प्रपोजल्स आते हैं। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि आई एम ऑलराउंडर, आई एम गुड, आई एम वेरी रिच, बट आई हैव वन हैबिट, आई एम पार्टिंग ऑलवेज। ठीक है, मैं नाइट पार्टी करता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ, या फिर आई डू स्मोक। एंड ये बात आपको सही नहीं लगी, आपके माता पिता ने कहा ये तो अच्छा लड़का नहीं है, तो आपने वो फेंक दिया। फिर दूसरा आ गया, कोई कह रहा है मैं बहुत ज़्यादा दारू पीता हूँ, फेंक दिया। कोई कहता है कि यू नो मुझे अकेले घूमने का शौक है, तो जस्ट इमेजिन। तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में आ सकते हैं, आपको सही चुनाव करना है। एक डिसीजन एंड योर लाइफ कैन बी हेवन और हेल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें रीडिंग क्या मिलती है, यहाँ पे हम कार्ड्स पे नजर आते हैं। देखो यहाँ पे है मैजिकल हेवन। जो समय जो व्यक्ति है वो मैजिकल हेवन के बारे में सोच रही है। ठीक है, मतलब उसके ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो सही बनते जा रही हैं या फिर सही बन रही हैं। अब ऊपर वाले पायल का हम इससे भी कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सभी कार्ड जो हैं तितर बितर भी हो रहे हैं, लेकिन क्या रीज़न दे रहे हैं? सेक्सुअल अटेंशन। देखो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी यू कुड हैव डन सेक्स टुगेदर। ठीक है, मे बी यू आर इन लिवर रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर आपकी ऐसी कोई अभिलाषा हो सकती है। अब राइट नाउ देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु डू वीडियो कॉल। ठीक है, वीडियो कॉल पर क्या क्या करते हैं वो उनके ऊपर ही डिपेंड है। सम पीपल डू एवरीथिंग व्हाट दे कैन डू इन रियल। ओके, सो ऐसे भी कुछ लोग हैं। सो कुछ लोग गलत चीज़ें करते हैं, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन इज दिस वन, सेक्शुअल अटेंशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस सेक्शुअल अटेंशन नहीं है, ये व्यक्ति इसको इस चीज़ से कनेक्ट करता है यूनियन में। ओके, अब देखो अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे यूनियन का मतलब डेफिनेटली ये होता है सेक्शुअल अटेंशन, जिससे आपको परम सुख मिले। आप कह सकते हैं कि येस ही और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, लेकिन वहाँ पे रिलेशनशिप ऐसे बदलते हैं जैसे आप घर बदलते हैं। मतलब चलो आपने कोई घर ले लिया भाड़े पे, अच्छा नहीं लगा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, ठीक है, साल में चार घर बदले, वैसे वहाँ पे रिलेशनशिप बदली जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, यू नो, अनटिल एंड अनलेस यू फाइंड समवन हु यू कैन रिलाई ऑन। हमारे यहाँ पे अभी तक ये चीज़ इतनी पॉपुलर नहीं है और इतनी चलती नहीं है। हालांकि येस देर इज़ समथिंग यू कॉल एज ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। ठीक है, या फिर मेरी चौथी गर्लफ्रेंड है, यू कैन जस्ट से दैट, बट व्हाट अबाउट दिस वन, सेक्सुअल अटेंशन। ठीक है, तो ये चीज़ उसके लिए मैटर कर रही है। अब देखो यहाँ पे ये व्यक्ति क्या देख रहा है, इवन एडम। ओके, अब देखो दोनों का जो संकल्प है या दोनों की जो दृष्टि है वो शायद एक जैसी हो सकती है या फिर अलग अलग हो सकती है, ये क्यों है? ओके, अब देखो इवन एडम, फॉर एग्जाम्पल मे बी ही कुड आस्क यू टू कम फॉर अ डिनर डेट। ठीक है, आप भी ऐसे कह सकते हैं। एंड बातों बातों में ये जवाब सवाल आ सकता है कि वॉट कैन यू डू टू प्रूव योर लाइफ और टू प्रूव योर लव। एंड मे बी दोनों का जवाब हो सकता है दिस वन, आई कैन डू दिस। एंड शायद कोई कह सकता है येस, कोई कह सकता है नो। जैसे इवन एडम है प्योर लव, ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर विद प्योर लव, नथिंग बैड, लेकिन जब वो चीज़ हुई तब सरपंट आ गया, तब एवरीथिंग हेल हैपन। ठीक है, तो वो अलग स्टोरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अगर हम इन चीज़ों को बारीकी से देखें तो यहाँ पे मैजिकल हेवन भी है, पार्ट हेवन भी है। ये क्यों आ गया है, इसमें फ़र्क है।
मैजिकल हेवन एंड पार्ट हेवन में भी कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी पूरी हो रही है, पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही है, समहाउ वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, एंड कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी रह चुकी है। मे बी यू हैव सेड टू दिस पर्सन कि आई एम विथ यू, आई विल बी विथ यू, ओके, एंड आई विल ट्राई टू प्रूव माई लव, बट नॉट लाइक दिस वे, ठीक है, आई कैन गिव यू किस, आई कैन गिव यू हग, नॉट मोर देन दैट, दैट्स इट, दिस इज माई लिमिट। तो यहाँ पे इसको पार्ट हेवन मिल रहा है, मे बी इज एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन डू समथिंग ऑन द वीडियो कॉल, मैजिकल हेवन फॉर हेम, यू कैन डिनाई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे रुक सी गई है या फिर आगे भी बढ़ रही है, ठीक है, मे बी ये सभी उसके दिलो दिमाग पे चल रहा है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो एंड आप क्या चाह रहे हो, ओके। अब देखो, अगर आप बहुत ही रिजर्व किस्म के इंसान हो लेकिन इसको आप पसंद हो, ठीक है, जैसे आपकी अदा है, आपकी चाल है, आपकी बातों बातें करने का तरीका है, या फिर ओवरऑल आप जो हो वो इसको बहुत पसंद है। नेट जियो में एक शो आया था, ठीक है, उसमें बताया गया था कि हाउ अ कपल गेट्स अट्रैक्टेड, ठीक है, उसके पीछे भी साइंस है, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को किसी की भी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिमेट्री होती है, जब वो सिमेट्री पूरी होती है तभी हम कहते हैं कि येस द कपल इज कनेक्टेड, ठीक है, वरना बाकी के जो लोग करते हैं वो होता है एडजस्टमेंट, वरना देखते ही जब किसी को प्यार होता है तो वो सिमेट्रिकल लव होता है, दैट देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट, ठीक है। तो ये व्यक्ति की शायद सोच ऐसी है, इसको यूनियन चाहिए, सेक्सुअल अटेंशन है, इवन एडम है, पार्ट हेवन है, मैजिकल हेवन है, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं, ओके, बहुत ही कम इनिशियल आगे हो चुकी हैं, जे ए पाओ डबल ए एंड वन, ठीक है, तो इतनी आ गए। एंड अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं, ओके, देखते हैं राशियाँ कितनी आती हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये आ गए हैं वृश्चिक, कर्क, ओके, तुला, मिथुन एंड धनु। धनु बार बार क्यों आ रही है राशि पता नहीं, ठीक है, होगा कोई रीजंस के पीछे भी, ओके। तो चलो मैंने कार्ड रखे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी डक चुना था, ओके। अब देखते हैं कि थर्ड जो है, ओके, लेपर्ड, लेपर्ड में क्या आ रहा है, ठीक है, जिन्होंने भी लेपर्ड चुना है उनके लिए रीडिंग क्या आ रही है देखते हैं हम, ठीक है। दीदार, वाह, आसान, ओके, इनकार, ओके, हौसला, ओके, एंड संदेश, ठीक है। तो पांच कार्ड आ गए यहाँ पे, ओके, आपको शायद देख सकते हैं टोटल पांच कार्ड, ब्लॉसम, ट्रैवलिंग, पर्सपेक्टिव फेल्ट, ठीक है, पैशन विद इन एंड वेटिंग अनएक्सप्लेन्ड। वाह, ये रीडिंग बहुत ही सही आ गई है, ठीक है, अब देखते हैं इस रीडिंग में क्या आता है, ओके। ऑलमोस्ट 20 मिनट की रीडिंग हो गई पहले में, या 22 मिनट की, सेकेंड जो रीडिंग है वो थोड़ा शॉर्ट हो गई, अब थर्ड रीडिंग देखते हैं कि लंबी होने वाली है या फिर शॉर्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है दीदार, आसान, इनकार, हौसला एंड संदेश, ठीक है। अब यहाँ से मुझे जो पता लग चुका है या पता लग रहा है कि ये व्यक्ति किसी का वेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों पायल देखें तो यहाँ पे आपको वेटिंग ही नज़र आएगा, ओके, दिस पर्सन इज़ राइट नाउ वेटिंग फॉर यू, ओके, मतलब ये किसी का वेट कर रहा है। और देखो, चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लो आप प्यार में पड़ चुके हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि ऑन द सेकेंड आप प्यार में पड़े, आपने एक दूसरे की आंखों में देखा, बिना जाने आपने कहा आई लव यू एंड आपने शादी कर दी एंड आप मूव ऑन हो गए, ठीक है, ये विद इन अ सेकेंड नहीं होता। हाँ, ये आपके दिल में ज़रूर होता है कि काश ऐसा हो जाए, देखते ही मुझे प्यार हो जाए, उससे भी प्यार हो जाए और हम दोनों एक दूसरे से कमिटमेंट कर दें एंड उसी वक्त शादी कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो वेटिंग कर रहा है, यहाँ पे उसको दीदार करना है, ठीक है। अब देखो, कोविड की वजह से क्या हो गया है कि जो लोग जो थे वो एक दूसरे को मिलते थे हर रोज़, वो मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत से ऑफिसेस हैं वो अभी घर से चालू है, ठीक है। तो किसी को बहाना मिलता था कि चलो वो शायद किसी और टीम में है, लेकिन एटलीस्ट मिल तो जाएगी, यू नो, अगर शिफ्ट अलग अलग है तब भी शायद जब वो शिफ्ट ख़त्म होकर बाहर निकलेगी या शिफ्ट शुरू होने के टाइम पे तो एटलीस्ट मैं उसे 10 मिनट तो देख सकता हूँ, यू नो,
तो ये कहीं ना कहीं पे आता था कि चलो दीदार हो जाएगा। ओके, अब जब घर से ही काम कर रहे हैं और वो अलग टीम में है तो दीदार कहाँ से होगा। तो मार्च से जो लॉकडाउन शुरू है, अब देखो कितने महीने हो गए, अभी भी कुछ कंपनियां हैं वो अच्छी तरह से चालू नहीं है। नाउअडेज यू नो हर एक को मास्क पहनना है। ओके, अब अगर हर व्यक्ति को एक ड्रेस कोड दिया है मास्क पहनना, सो समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन। अगर आपको पता है यू नो आप उनके ललाट से या आप उनकी आंखों को देख के बता सकते हैं कि यस ही और शी इज़ द वन। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पे दीदार करने पे तुला हुआ है। ओके, इस व्यक्ति को आपको देखना है, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है। अब देखो ये भी हो सकता है कि शायद आप सेपरेटेड हो। ओके, मे बी यू आर ऑन अ डिवोर्स वर्ज। ठीक है, कि कुछ बातें हजम नहीं हुई, ठीक है, कुछ बातों के कारण आप दोनों में लड़ाई होगी एंड आप दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों साथ में नहीं जिएंगे। अब देखो यहाँ पे दीदार के लिए तरस रहा है क्यों। कई बार क्या होता है कि इंसान को अपनी गलती का एहसास बहुत लेट होता है। जैसे कि एक मूवी थी प्यार तो होना ही था, अजय देवगन एंड काजोल, आई थिंक उनकी शादी होने वाली थी या हो चुकी थी पता नहीं, तो ये मूवी थी एंड अजय देवगन कब से कहना चाहता था काजोल को आई लव यू, लेकिन उसने कहा नहीं था। तो लास्ट में एंट्री होती है अजय देवगन की प्लेन में, ठीक है, प्लेन उड़ने ही वाला होता है तो उसको रोक देते हैं एंड तब वहाँ पर जाके ये अजय देवगन से बोलता है कि संजना मत जाओ संजना। तो वो कहती है काजोल कि इतनी सी बात बताने के लिए इतना वक्त लगा दिया, यू नो। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई बात कहने में बहुत वक्त लगा लेते हैं। किसी किसी के लिए ये आसान ही होता कि चलो दिल में आया और मैंने झट से कह दिया कि आई लव यू, यू नो। अब देखो इसमें बहुत सारा गट्स लेना पड़ता है, बहुत सारी जो है वो फीलिंग लानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट कहा एंड हो गया। ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ करेज। देखो मारपीट करना ईजी है, लेकिन जब प्यार के बारे में एहसास आता है कि यू आर कन्फेसिंग यूर लव टू समवन कि आई लव यू, तो इतना आसान नहीं होता, स्पेशली किसी से बात करना, किसी से मैनिफेस्ट करना। ठीक है, तो ये बात है इम्पॉर्टेंट, आपको इसके बारे में जानना है। ये व्यक्ति आपका दीदार करने के लिए तरस रहा है। देखो यहाँ पे आ गया है आसान इनकार हौसला एंड संदेश। देखो कहीं पे उसको लग रहा है कि बहुत ही आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मे बी वो आपसे मिलने आ सकता है, ठीक है, आपको कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है ऑफिशियली से ही, या फिर आपसे बात कर सकता है, या फिर डायरेक्टली आपसे मिलने के लिए आपके घर आ सकता है। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि आप उससे मिलोगे या नहीं मिलोगे, क्या आप उससे दोस्ती रखना चाहोगे, कंटिन्यू करना चाहोगे, डू यू वॉन्ट टू क्लेम अ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप विथ हिम और हर, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। ये इसको आसान भी लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी भी है। ठीक है, जैसे कि इनकार मिलता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया है, वो इनकार आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं पे शायद उसका दिल जो है वो इनकार कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपने भी इसको कहा था कि आई एम देयर फॉर यू, लेकिन शायद कुछ किसी दिन बाद आपको पता चला कि या फिर लगा कि ये जोड़ी जम नहीं रही है। मे बी यू कुड हैव सेड कि वी शुड बी वेटिंग मोर, या फिर हमारा फ्यूचर टुगेदर मुझे नहीं दिख रहा, तो आपकी तरफ से इनकार आ गया। लेकिन ये व्यक्ति तो आपके दीदार के लिए तरस रहा है ना। मतलब मान लीजिए आपने अपने दिल से कहा कि सॉरी यू आर नॉट फॉर मी या आई एम नॉट फॉर यू, लेकिन वो व्यक्ति जब आपको देखता है तो उसे अपना फ्यूचर दिखता है, मतलब यू एंड हिम टुगेदर, योर किड्स, योर रिलेशनशिप, मतलब सभी उसके सामने आ जाता है एंड वो इसको रेजिस्ट ही नहीं कर सकता, ही जस्ट सी यू डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो कार्ड आ गए हैं जो कि हैं हौसला एंड संदेश। ठीक है, तो व्यक्ति हौसला रख रहा है, उसे लग रहा है कि चलो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि उसे इसका समाधान मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगर आपका इनकार है, चलो मान लिया, 2 महीने बाद बदल सकता है, 2 साल बाद बदल सकता है, यू नो। जैसे कि कुछ लोग हैं अब 21 ईयर्स ऐसे ही हो जाएंगे पूरे लड़कों के लिए, एंड आई थिंक लड़कियों के लिए अभी भी 18 ईयर्स ही दिया है। ओके, हालांकि वो 21 ईयर्स भी शायद कंप्लीट कर दें, मतलब कंटिन्यू कर दें एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो कि शायद बनेगा, तो वहाँ से यू नो कुछ लोगों को लगता है कि मेरी शादी अभी इसी वक्त होनी चाहिए, यू नो। एंड ये तो बहुत कॉमन हो गया है कि आप देखते हैं कि यू नो फैशन बाइक होती है, ठीक है, 1 लाख से अभी जो बाइक होती है महंगी वाली, उनकी प्राइस तो 1 लाख से ज़्यादा ही होती है, 125 से भी आजकल 125,000 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आप अगर ऐसी बाइक लेके चले हैं, मतलब यू जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, एक ऐसी फैशन बाइक है, उसके ऊपर एक लड़का बैठा है,
ठीक है, जैकेट पहना है, उसके पीछे एक बहुत ही हॉट लड़की बैठी है, ठीक है, मे बी शी हैज़ शी इज़ बीइंग वेयरिंग द मास्क और नॉट, लेकिन यू कैन सी दैट यू नो पूरी स्किन टाइट उसने जीन्स पहनी है, ड्रेस पहना है, यू कैन लुक एट द कर्व्स एंड व्हाटएवर यू कुड सी एंड यू कैन से दैट वाओ व्हाट अ हॉट कपल, ठीक है। तो ये क्या है, इज दिस लव? ये बस रखना है कि हौसला, पता नहीं हमारे शायद एंगेजमेंट हो रहा है, दे जस्ट डोंट नो अबाउट देयर फ्यूचर, दे जस्ट सेइंग दैट इट कुड बी यू नो पॉसिबल, दीदार हो रहे हैं, पता नहीं आज ये इस व्यक्ति के साथ है, शायद दो चार महीने के बाद किसी और के साथ हो, ठीक है, उसके लिए मे बी जस्ट इम्पॉर्टेंट है दिखावा करना, तो ये दिखावा कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति हौसला रख रहा है कि शायद कुछ चीज़ें बदल जाए। अब यहाँ पे आ गया है संदेश, सो मे बी ही और शी विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू, ये आपको कोई संदेश भेजने का भी कार्य कर सकता है, मे बी द पर्सन विल सेंड यू सम मैसेजेस, सो गेट रेडी फॉर इट, ठीक है। अब तरह तरह के मैसेजेस हो सकते हैं, जैसे कि आई लव यू, आई एम सॉरी, टॉक टू मी, कम टू मीट मी, आई एम कमिंग टू मीट यू, ठीक है, ऐसे कोई भी मैसेजेस हो सकते हैं जो आपको कन्वे करना चाह रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे आ गया है पहला कार्ड वेटिंग अनएक्सप्लेन, तो पहला कार्ड बता रहा है कि वेटिंग जो है इस यू नो रिलेशनशिप में वो अनएक्सप्लेन है, मतलब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली हो जाती हैं, कुछ चीज़ों को बहुत समय लगता है, ठीक है, मतलब कब तक होगा ये आप कह नहीं सकते, वेटिंग अनएक्सप्लेन, ठीक है। अब अगर मैट्रिमोनी में जाते हैं आप, ठीक है, तो आपको पर्याय दिया जाता है कि से यस और से नो, आप इसमें इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली जवाब दीजिए। अब कुछ लोग होते हैं जो यू नो अपना फ़ोटो डालते हैं, मैट्रिमोनी में नहीं डालते हैं, ठीक है, तो कोई फ़ोटो रिक्वेस्ट कर सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल रिक्वेस्ट कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वेटिंग जो है वो अनएक्सप्लेन दिखी है, लेकिन यहाँ पे है पैशन विदन, तो ये जो व्यक्ति वो अपने अंदर पैशन लेके बैठा हुआ है, ही और शी हैजंट लॉस्ट द पैशन, ठीक है, उन्होंने पैशन लूज नहीं की है, द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है, मतलब आपके बारे में सोच रहा है, आपका प्यार का वो एहसास, योर फर्स्ट किस टुगेदर, ठीक है, या आपने पहली बार हाथों में हाथ दिया होगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ चले होंगे, जितना भी वक्त आपने एक दूसरे के साथ बिताया होगा, ये इस व्यक्ति को अभी काट रहा है, यू नो ये व्यक्ति को एहसास वो सहन नहीं हो रहा है, ही और शी इज थिंकिंग क्या वो मैजिकल पल थे एंड अब क्या हो रहा है, यू नो, तो ये व्यक्ति को सहन नहीं हो रहा है, दिस इज डिस्टर्बिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीन कार्ड है जो कि हैं ब्लॉसम, ट्रैवलिंग एंड पर्सपेक्टिव फेल, कहीं ना कहीं पे ऐसे हो रहा है कि आप जो है या फिर कोई और है जो इनका पर्सपेक्टिव फील कर रहे हैं, ठीक है, समबडी इज अंडरस्टैंडिंग हिज और हर पर्सपेक्टिव एंड द लव इज ब्लॉसमिंग एंड ट्रैवलिंग हो रही है, मतलब ये व्यक्ति धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा है, ओके, तो मे बी शायद आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम थे, इशूज़ थे, लेकिन धीरे धीरे वो इशूज़ सॉल्व होने लगे, आपको इनका पर्सपेक्टिव समझ में आने लगा एंड प्यार ब्लॉसम होने लगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है इनिशियल्स, ठीक है, इनिशियल्स में एक आई थिंक कलर दिया गया जो कि है येलो, ठीक है, इनिशियल्स है आर एन सेवन ए ई एंड ए, ओके, डबल ए आ गए यहाँ, ठीक है। एंड अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं, क्या धनु वापस से रिपीट हो जाएगी राशि, आई डोंट नो, ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स, ओके, छह राशियाँ आ गई, ठीक है, देखते हैं कौन सी है, मकर, कर्क, मीन, मेष, सिंह एंड वृषभ, ठीक है। तो ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ मी एंड यू।